बीजेपी के करीब 1400 विधायक, 300 से ज्यादा सांसद, एक प्रधानमंत्री, आरएसएस और अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार में लगी है। लेकिन मोदी का एक मंत्री ऐसा है जो न चुनाव प्रचार में है और न ही चुनावी प्रपंच में फंसा है। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण पीएम मोदी को बीच चुनाव में एक मुस्लिम देश का दौरा करना पड़ सकता है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध के हालात हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीसरा विश्व युद्ध भी बन सकता है। भारत को चाहिए तरक्की, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, रोजगार और स्वरोजगार। मोदी ने एस जयशंकर को साफ निर्देश दिया है कि आप अपना काम करते रहे, चुनाव बीजेपी लड़ेगी। हर मंत्री से अगले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड मांगा था और तब जयशंकर ने अपने रिपोर्ट कार्ड में ये साफ कह दिया था, हम दुनिया के हर देश को उसकी भाषा में जवाब देंगे। और इसकी प्लानिंग इजराइल और ईरान के बीच बने युद्ध के हालात में भी चल रही है। ये बात गलत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी को आप जल्दी इराक और इजराइल के राष्ट्रपतियों से फोन पे बात करते सुनेंगे या फिर वो किसी तीसरे देश में जाकर मध्यस्थता करते नजर आ सकते हैं। और ये खबर भारत के इतिहास में ऐतिहासिक होगी। अगर बीजेपी को इधर चुनाव में थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो भारत का मान बढ़ाने और लोगों का दिल जीतने के लिए भी मोदी सरकार के पास यह अच्छा मौका होगा। भारत अपनी आर्थिक नीतियों को देख रहा है और दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो युद्ध में जाकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत अछूता नहीं रहेगा, इसीलिए एस जयशंकर इस मिशन पर लगे हैं। इसराइल और ईरान को एक टेबल पे बैठाया जाए और उस टेबल पे जो तीसरा शख्स हो वो उन्हें समझाए कि 21वीं सदी में युद्ध नहीं, अर्थव्यवस्था और तरक्की पर बात करनी होगी। उस तीसरे नेता की बात होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा इसराइल के साथ है। दुनिया भर के ज्यादातर ताकतवर देश न्यूट्रल नहीं है और समझौता कोई न्यूट्रल देश ही करवा सकता है। भारत का इतिहास है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत ने अपनी इसी अंदाज से उसी वक्त इशारा किया था कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की लड़ाई में एक नई भूमिका निभाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार मंच से दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत अलग रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुल के नरेंद्र मोदी के बीच में आकर समझौता कराने की अपील की थी। जब इसराइल और इराक के बीच युद्ध में समझौते की जरूरत पड़ेगी तो इसराइल दुनिया में सिर्फ एक देश की तरफ देखेगा, वो है भारत। ईरान भी जानता है कि भारत की बात न मानना उसकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ सकता है। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी समझिए। अमेरिका ने भारत को खूब धमकाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भारत ने तय कर लिया कि हम रूस से ही तेल लेंगे तो हमने वो करके दिखाया। तेल का भंडार ईरान में है और पूरी इकोनॉमी क्रूड ऑयल पर ही निर्भर करती है। ईरान ने भारत की बात नहीं मानी तो उसके पाकिस्तान बनने में ज्यादा साल नहीं लगेंगे। हालांकि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था और वहां का अर्थतंत्र पाकिस्तान की तुलना में काफी आगे है। पर कहते हैं भारत भी तो कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन गलत नीतियों और आक्रांताओं के कारण भारत में भी कभी अनाज का संकट पैदा हो गया था। इसीलिए सब वक्त वक्त की बात है। ईरान खुद को किंग न समझे तो ये उसके लिए और वहाँ की जनता दोनों के लिए बेहतर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान और इसराइल के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं। जब दोनों देश में युद्ध के हालात बने तो जयशंकर ने ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकाला। यहां तक कि यूक्रेन पे रूस हमला करने वाला था तो भारत ने कहा था कि हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के सूडान, पाकिस्तान और कई देशों के लोगों को निकाला। यहाँ तक कि समुद्र में भी जब कोई जहाज फंसता है तो भारत के मार्कोस कमांडो ही उसे बाहर निकालते हैं। तब ये नहीं देखते हैं कि उसमें बैठा नागरिक पाकिस्तान का है या कोई और है। तो ये सवाल सबको समझना होगा कि चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक विदेशी दौरा क्यों कर सकते हैं। यही कारण है कि ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में दुनिया भर को भारत से उम्मीद है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो मदद भी कर सकता है और समझौता भी करवा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।